जैसे ही गिलास ठंडा करके मेरे को दिया, वो मैंने पी लिया। अब पीने के बाद वो गाय को, वो रस्म होती है कि वो गुड़ खिलाते हैं, वो गया मैं तो यहाँ से लहराता हुआ गया। मैंने कि यार क्या हो गया, एक साथ पता नहीं। वहाँ से आया तो भाई हैगा चाची के घर पे, वो भी बिल्कुल हैगा बेहोश था। हमें पता है, इसे सुन आपकी आंखें बड़ी हुई होंगी और मुंह से निकला होगा, अरे ये क्या। चीख चीख कर अपना दर्द बयां करने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नया नवेला दूल्हा है। बीवी के दगाबाजी वाले काले बादल से पहले उसकी शादी की रंगीन दुनिया देखिए। दो दूल्हे और दो दुल्हन, सिर पर पगड़ी, गले में वरमाला और हाथों में अपनी दुल्हनिया का हार। कहीं ये भाई साहब अपनी दुल्हनिया को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, तो कहीं यही महाशय लाल जोड़े में सजी अपनी दुल्हन के साथ किसी जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक से एक पोज और तस्वीरें क्लिक करवाने वाले इन जनाब को कहां ही पता था कि एक रात के बाद इनकी इस हसीन दुनिया में गम के बादल छा जाएंगे। अब बड़े भाई साहब का जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन शादी के चक्कर में छोटे भाई साहब की दुनिया भी एक रात में काली हो गई। एक ही मंडप में दोनों भाइयों की शादी हुई और ठीक अगले ही दिन दोनों की बीवियों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये है उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले दुष्यंत और गौरव। दोनों ही भाइयों को अपने जीवन साथी की लंबे समय से तलाश थी। जब काफी दिनों तक शादी के लायक कोई लड़की नहीं मिली, तब इन्होंने पास ही के गांव में रहने वाली एक महिला से संपर्क किया, जिसके बाद 22 मार्च को दोनों भाइयों की मुलाकात तस्वीरों में दिख रही इन दो लड़कियों से कराई गई। पहली मुलाकात में ही दोनों भाई यानी दुष्यंत और गौरव लड़कियों पर दिल हार बैठे और शादी के लिए हामी भर दी। इनकी मीटिंग के ठीक अगले दिन यानी 23 मार्च को दोनों भाइयों की शादी इन लड़कियों से एक ही जगह और एक ही मंडप में करा दी गई। शादी की रस्म पूरी होने के बाद दोनों भाई अपने दुल्हनों के साथ अपने घर पर आ गए, जहां नाते रिश्तेदारों के बीच मुंह दिखाए का कार्यक्रम हुआ। अगले दिन देर शाम दोनों दुल्हनों ने रिश्तेदारों और अपने अपने पतियों को चाय और दूध दिया, जिसमें इन चालाक औरतों ने पहले से ही नशीला पदार्थ मिला दिया था। अगले दिन जब दोपहर में लोग जागे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दोनों दुल्हनें घर से रफू चक्कर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, ये लुटेरी घर से 1 लाख की नकदी के अलावा 3 मोबाइल फोन, 1 जोड़ी झुमके और पाजीप लेकर फुर हो गई थी। दोनों लुटेरी दुल्हनों की आसपास काफी तलाश की गई, उनके मोबाइल नंबर भी बंद जा रहे थे। उनकी शादी कराने वाली महिला बिचौलिया का भी नंबर नहीं मिलने पर दोनों भाई परेशान हो गए, जिसके बाद दोनों लुटेरी दुल्हनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।